बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटते रहेंगे। बड़ा झटका ये लालू प्रसाद यादव के लिए और उनके परिवार के लिए, उनकी पूरी पार्टी के लिए चुनाव के एन पहले। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर जो हम बता रहे हैं आपको, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन को मंजूर कर लिया है, यानी राफेल मामले पर एक तरह से नए सिरे से सुनवाई होगी रिव्यू पिटिशन के जरिए। जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैधता को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर फिर से सुनवाई होगी, रिव्यू पिटिशन एक्सेप्टेड। लेकिन दूसरी तरफ हम अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी से ही आज राहुल गांधी पर्चा दाखिल करने वाले हैं, रोड शो उनका होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच जो सियासी भूचाल है वो अब राफेल के इर्द गिर्द आता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। राफेल पर क्या कहा गया है, फैसले पर कोर्ट पुनर्विचार करेगा रिव्यू पिटिशन। अब देखिए चौहान साहब, आपका हाथ उठा था चूंकि हम अमेठी में मौजूद हैं, राफेल के साथ साथ बोफोर्स का जिक्र आता है, लेकिन जनता में रक्षा सौदों को लेकर एक अलग दिलचस्पी होती है। उसमें अगर कहीं भी खबर हेर फेर की आए तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, क्योंकि बोफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था, ऐतिहासिक था, राजीव गांधी की सरकार गई। देखिए हमारे तीनों पत्रकार मित्रों ने कहा कि उसमें बोफोर्स के कसूरवार नहीं पकड़े गए। अरे उसमें तो खाता पकड़ा गया लंदन में क्वात्रोची का, अरे उसमें सारे रकम पकड़ी गई। अरे रकम पकड़ी गई तो कसूरवार कौन है? नहीं देखिए देखिए, इस मंच का इस्तेमाल ना अपने प्रचार के लिए मत कीजिए ना सर। नहीं आपको फैक्ट्स के साथ बात करना होगा। कौन कसूरवार ठहराया गया, नाम बताइए। मैं क्वात्रोची ठहराया गया, उसका बैंक में पैसा था कि नहीं लंदन की बैंक में? था कि नहीं तो क्यों नहीं आप उसको सजा दिला पा रहे? अरे मैं सजा दिलाऊं, मैं अभी सजा दिलाऊंगा। अरे आप इसको कोने स्वीकार करती कि जिस खाते को अटल जी सरकार ने बंद किया था उसको मनमोहन सिंह ने खोल दिया, उसने दो घंटे पैसा निकाल दिया लंदन की बैंक में, इसको आप तीनों लोग क्यों नहीं बोलते, आप भी क्यों नहीं बोलती? ये गलत है क्या? नहीं खाता बंद करवा देने से कसूरवार नहीं साबित होता। वो पैसा क्वात्रोची के पास कहाँ आया था? किसी को दिलाएंगे? आप बेवजह इतना चीख रहे हैं। अरे भैया मैं आप चीख रहे हैं तो मैं भी चीखना पड़ेगा, मैं पार्टी के प्रवक्ता हूं। आप कहते हैं ना बात नहीं करने दे रहे हैं, देखिए बात कीजिए लेकिन तथ्यों पर। आप अगर बोफोर्स तक जाएंगे तो उसकी सच्चाई में जाइए। टेलीविजन न्यूज अफवाहों को फैलाने का व्हाट्सएप जैसा माध्यम नहीं बन सकता है, तो आप फैक्ट्स पे बात कीजिए। ये भी जो आप राफेल में इतनी देर से हंगामा कर रही है, क्या ये बाप अफवाह नहीं फैला रही? हंगामा कर रही है, कहाँ है पैसा? आपकी भाषा को क्या हो गया? जो राहुल गांधी बोलते हेलो, हंगामा क्या होता है? अरे यही जो आप फैला रही, हम फैला रहे हैं। चले गए वो पोस्ट तक आप जा रही तो मेरी भी सुनिए ना, मेरा भी बौखलाइए मत, बौखलाहट अच्छी नहीं होती। देखिए नेता आदमी है अंजना, नेता आदमी है आप। थोड़ा सा फोर्स में जब कांड हुआ था मैं भी मीडिया बॉम्बे में काम करता था, आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट। मैं बताऊं आपको अंजना जी, आदमी है आप, थोड़ा सा धैर्य रखिए और बौखलाहट से दूर रहिए, फैक्ट्स बोलिए। अगर आपकी बातों में सच्चाई होगी अंजना जी तो आपकी बातों को, एक सेकंड सर। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।